नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। कबीर सिंह का थर्ड डे का कलेक्शन यानी कि संडे का कलेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सैटरडे के दिन फिल्म 25 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करेगी और फिल्म ने किया। आज संडे है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है फिल्म को लेकर। आज का प्रेडिक्शन ये है, आज का अंदाज़ा ये है, संडे के दिन फिल्म 32 करोड़ से 35 करोड़ तक करेगी और ये भी हो सकता है कि फिल्म 40 करोड़ कर जाए, लेकिन 32 से 35 करोड़ तो कंफर्म करेगी। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह का रेस्पॉन्स कबीर सिंह को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। हालांकि बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है, लेकिन मासिस की अगर आप बात करें तो मासिस को बहुत पसंद आ रही है फिल्म। मैं कल एक सिंगल स्क्रीन में आके फिल्म देख के आया हूँ और जिस तरह का रेस्पॉन्स आप देखने को मिल रहा है वो वाकई में हैरान करने वाला है। हर डायलॉग पे, हर एंट्री पे शाहिद और शाहिद, मतलब इतनी तारीफ हो रही है, इतनी सीटियाँ बज रही हैं। मुझे लगता है ये जो क्रेज़ है शाहिद की फिल्म कबीर सिंह को लेके, ये और भी बढ़ेगा और ये फिल्म शाहिद कपूर के पूरे करियर की सबसे ज़्यादा कमर्शियली कामयाब फिल्मों में गिनी जाएगी। कबीर सिंह शाहिद कपूर के पूरे करियर की अगर हम बात करें तो मंडे का इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट, लेकिन जिस स्पीड से फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको लेके क्रेज़ बढ़ रहा है, मंडे को भी ये फिल्म मुझे लगता है कमाल करेगी और शाहिद कपूर के पूरे करियर में सबसे जल्दी सबसे फास्ट 100 करोड़ का बिजनेस करेगी 3 दिन के अंदर। 3 दिन में मतलब आप ये समझ लीजिए कि 20 करोड़ 25 करोड़ और आज 35 करोड़ या 32 करोड़, तो मुझे लगता है 4 दिन में ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी और ये शाहिद कपूर के पूरे करियर की 100 करोड़ बनाने वाली पहली फिल्म होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रेडिक्शन अंदाज़ा पसंद आए, जैसे मैंने पहले कहा था। कल तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।